के गाजियाबाद जिले में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ बदमाशों के लिए चोरी, लूट और स्नैचिंग तो मानो आम बात हो गई है। आए दिन होने वाली वारदातों को देख ऐसा लगता है जैसे बदमाशों के अंदर पुलिस का जरा भी खौफ न रह गया हो। ताज़ा मामला शिप्रा मॉल के सामने अंडरपास के नीचे का है, जहाँ एक कंपनी के अकाउंटेंट के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल कनौडिया सीमेंट में कार्यरत एक अकाउंटेंट से बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर दिन दहाड़े 20 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। अकाउंटेंट से पैसे लेकर सभी बदमाश फरार हो गए। पीड़ित अकाउंटेंट के मुताबिक वो इंदिरापुरम के HDFC बैंक से कैश निकालकर नोएडा ऑफिस ले जा रहा था। जैसे ही वो शिप्रा मॉल के सामने अंडरपास के नीचे पहुंचा, तो कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोका और हथियार के बल पर उससे कैश लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही नोएडा और गाजियाबाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया, जिसके बाद सीमा विवाद में दोनों पुलिस उलझी रही और एक दूसरे के इलाके का मामला बताने लगी। हालांकि बाद में इस मामले में इंदिरापुरम थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की गई है।